मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम आपको एक बहुत अच्छा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता है ना, हम आपको सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं आजकल। तो आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं साइकिलों पे घूमते देखती हूँ, मुझे रास्ते में मिलते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों क्या बात है, आपको पता नहीं है पढ़ना जरूरी है? आपके मम्मी पापा आपके नाना होंगे, अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो पढ़ना शुरू कर दे। आपको मैं ये आपको सोशल स्टडीज जो बुक है उसको देखिए, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं सोशल स्टडीज का। आपका लेसन 9 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल। ये बहुत मजेदार टॉपिक है बच्चों, और जानते हैं इसका क्या मतलब है? नेचुरल का मतलब है जो चीज हमको खुद अपने आप उगी हुई मिलती है। उगी हुई मतलब अपने आप प्रतिष्ठित, जो भगवान है, जो भी है, पानी बरसता है और नेचर हमको अपने आप वो चीज देती है। जैसे आप अगर आम खा रहे हैं, आम की गुठली को फेंक दें, एक बार जामुन की गुठली, आम की गुठलियाँ फेंक देते हैं लोग, तो जमीन के अंदर चली जाती है, उनको पानी मिलता रहता है और फिर धीरे धीरे वहाँ पर पेड़ उगाता है। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे तुलसी जी है, तुलसी जी के पौधे को एक जगह से लेकर दूसरी जगह उखाड़ दीजिए, या उसमें जो मंजिल भी होती है उनको मिट्टी में डाल दीजिए। छोटे छोटे आपने देखा होगा तुलसी के आस पास छोटे छोटे पौधे जो है वो तुलसी के अपने आप ही निकल आते हैं। इसी तरह गमले में धनिया, पुदीना, मेथी डालते रहिए, अपने आप उसके पेड़ उगाते हैं। ये होता है नेचुरल, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर, ऐसी चीजें किस जगह, किस मौसम में पाए जाते हैं? देखो बच्चों, पूरी दुनिया में कहीं पर, तो पूरी दुनिया में छोड़ो, अपने भारत में भी ऐसा है, कहीं तो बहुत पानी बरसता है। आप सामने देखिएगा कितना पानी बरसता है, पहाड़ों पर जाइए, गर्म की गर्मी पड़ी और पानी बरसने लगता है, तो बहुत जल्दी अच्छे लिए वहाँ मौसम अच्छा रहता है। तो कभी तो पानी बहुत बरसता है, कभी कम बरसता है और कभी बिल्कुल नहीं बरसता। तो इन तीनों जगहों के लिए उसके बाद कहीं कभी बरसता है, कभी नहीं बरसता है, इस तरह का मौसम चेंज होता रहता है। तो इस अलग अलग मौसम में किस तरह के पेड़ होते हैं, किस तरह के जानवर होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जैसे पानी बरसना शुरू होता है, अपने यहाँ जोधपुर में तो थोड़ा कम बरस रहा है, लेकिन जहाँ बरसता है ना तो मेढक हर तरफ मेढक ही मेढक हो जाते हैं, मच्छर ही मच्छर होने लगते हैं, बिल बिल आप देखिए पिछड़ा पास से पूरे शरीर में विश्राम पड़ जाते हैं बरसात के दिनों में। अगर कभी भी पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। और हमने तो अक्सर देखा, पता है क्या बात है, कि बरसात में थोड़ी भी थोड़ा भी पानी जमा होता है अपने नाली में तो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और उसमें कैसे छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती है, हमको समझ नहीं आता। और वे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे वो मछली पकड़ने लगते हैं, सांप आ जाते हैं, बरसात के दिनों में सांप दिखाई देने लगते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में ये जानवर नहीं दिखाई देते, क्योंकि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, गोली को जाने लगती है। और सर्दियों में देखिए आप इस सारे के सारे आपको धूप फेंकते हुए मिले, आश्चर्य की बात है। तो इस तरह के बाद जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो एनिमल्स हैं इनको हम कुछ भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वो कौन सा भाग है इसमें हम बांट रहे हैं, तो ये है सबसे पहले इक्वेटोरियल। क्या है इक्वेटोरियल? और
custodial technician या tropical. Tropical evergreen forest. बाकी तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल आप एक शब्द याद करिए एवरग्रीन. एवरग्रीन माने तो हमेशा हरा भरा रहता है. और कौन सा पेड़ हमेशा हरा भरा रह सकता है? उसको लगातार पानी मिलता है, गर्मियों में उसका बचाव होता है, तो वो जो होते हैं वो एवरग्रीन पेड़ कहलाते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. और ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल ऐसा वातावरण होता है. अब ये वातावरण कैसा होता है आपको हम पता है? ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ बहुत पानी बरसता है, बहुत बरसता है. कितने सेंटीमीटर बारिश होती है? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक. अब आप ये स्केल में देखिए 100 कितना होता और 200 कितना होता. इतनी बारिश डेली कितना पानी चाहिए? डेली 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है. वहाँ पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. एवरग्रीन का मतलब सदा हरे भरे रहने वाले. अब बच्चे इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बढ़ जाते हैं और घने होते हैं, बहुत ही घने होते हैं. इतने घने होते हैं कि ये एक साथ मिलकर के डेंसिटी बना लेते हैं, छाया बना लेते हैं. और इतने घने होते हैं, इतने छटे हुए होते हैं कि जो सूरज की किरणें होती है ना, वो उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, एंटर नहीं कर पाती. तो नीचे तो घना घना अंधेरा रहता है और इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ, क्योंकि हमेशा जो सूरज है उसकी जो रेज है ट्रॉपिकल पड़ती है वहाँ पर, तो उसकी वजह से गर्मी भी वहाँ पड़ती है. अब गर्मी ऊपर से इतना पानी पौधों को तो यही चाहिए धूप में तो उनको देख करके ऐसे देखना पड़ता है. और उनकी जो पत्तियां होती है ना, ऐसे पेड़ों की जो पत्तियां होती है, एक तो थिक होते हैं, डेंस होते हैं, और इनकी जो पत्तियां होती है ये भी बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है. और इनकी जो बूंद होती है, लकड़ी जो होती है ना, बहुत कठोर होती है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है. उसके बाद यह है कि वहाँ पर घास, इतनी ऊंची घास होती है, पेड़ से इतनी ऊंची तो घास हो जाती है, क्योंकि उस अंधेरे में काटना कौन जाए उस घास को. और ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो जहरीले होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, मक्खियाँ, इतनी विषैली होती है, आदमी को काट ले तो आदमी मर जाए. और हाथी, ठीक है, ये जो ऐसे जानवर हैं ये वहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि घने जंगलों में लॉयन होते तो शेर है वो आपको बहुत मिलेंगे वहाँ पर, भालू, भालू बहुत मिलेंगे आपको वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इतना घना जंगल होता है जानवरों को वहाँ रहने में सुविधा होती है. एक तो खाने को मिल जाता है, एक ऐसा जानवर होता है जो चींटियाँ खाता है, ऐसे जीप निकाल निकाल के अपनी जीप से चीटियां चार चार बैठाता है. एंड वो भी वहाँ पे जाता है. वहाँ ऐसे जानवर नहीं मिलते, गाय वगैरह, वहाँ पर जहरीले जानवर ही पाए जाते हैं, ठीक है. और वहाँ पर जो घास होती है रियाना क्षेत्र में बहुत ऊंची ऊंची होती है, पेड़ों पर पहुंच जाती है. और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि पॉइजनस जानवर होते हैं. और वहाँ जो पेड़ होते हैं बैगॉनी, रोजवुड और एबॉनी, तीन पेड़ होते हैं जिनकी की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती है, कड़ी होती है, और वो लोगों के काम. हालांकि जंगल को पकड़ाने मुश्किल है, और इसीलिए वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो लकड़ी है, जो पेड़ है, ये क्या है कि लोग ज़्यादा उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका
कौन क्या है और कौन काट है, वहाँ डिफिकल्ट होता है। अब ये काय कहाँ जाते हैं बच्चों में सीख के दिन ये मिलते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका अमेजन के जंगल आते हैं, अक्सर वहाँ आग लगती रहती है, अपने आप ही नष्ट होते रहते और इतने घने जंगल हैं, एक में आग लगी तो दूसरे पेड़ तो लगनी लगनी है, छोटे छोटे सटे हुए, हालांकि वहाँ पर पानी बरसता रहता है, लेकिन कृषि में ज्यादातर पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका में पाए जाते हैं, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो हमारी एशियन कंट्री है, इसीलिए आप देखिए थाईलैंड में जो वाइल्ड एलिफेंट भी पाए जाते हैं, बहुत तरह के जानवर डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। इसके अलावा आसाम, आसाम के जंगल में, आसाम के जंगल भी बहुत घने होते हैं, वहाँ पर ये पेड़ भी पाए जाते हैं। और आसाम में तो आपको पता है कितनी बारिश होती है, फसल में होती ही रहती है, तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग ट्री है, जो लॉन्ग ट्री है ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो ब्रांचेज होती है, लीफ होती है, बहुत ठंडी ठंडी होती है। तो जरा सा आप पेंसिल लीजिए और थोड़ा निशान लगाइए जो हम आपको बताएं। सबसे पहले तो आप लगाइए फर्स्ट नंबर इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पर लगाया, उसके बाद आप लगाइए फर्स्ट लाइन, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हॉट, फर्स्ट लाइन पूरी लगा दीजिए। उसके बाद हॉट के बाद थर्ड लाइन पर आ जाइए, ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, फर्स्ट लाइन पे लगाया फिर थर्ड लाइन पे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए, देखिए और नीचे आइए, सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल, यहाँ तक लगा के जहाँ पर आपका थाईलैंड है, पूरी पांच छह लाइने हैं, फाइव सिक्स लाइन है, यहाँ तक लगा लीजिए। फिर इसके नीचे आइए, ऑफन द ट्री ग्रोज सो क्लोजली टुगेदर दैट सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड तक लगा लीजिए। उसके बाद में एवरेज हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ आ जाइए, एवरेज हाइट ऑफ द ट्री वेरी 72 सेंटीमीटर, फिर नीचे की लाइन, प्लीज मेक अ कंप्लीट कैनोपी एंड डू नॉट परमिट सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे प्लीज से लेके ग्राउंड तक, फिर ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर द एनिमल्स और बंदे जानवर हैं, इंक्लूड मंकीज, स्नेक, एंड ईटर, बैग तो बादल भी होते हैं जिससे ये कोरोना फैले, और उसके बाद फिश इज द रिवर, फिश इज द रिवर, फिर उसके बाद रिवर के बाद 1, 2, 3, 4 जो स्टार लाइन में है ना, दीज फॉरेस्ट से लेके एबोनी तक यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि अब आपको क्या करना है इसके बारे में आपको लिखना है, आपके हड़ी डालेंगे और इसको आप पॉइंट में लिखेंगे, 1, 2, 3 डाल के जो हमने अभी आपको लाइनिंग बनवाई बताई थी ना, इनको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं देखिए दूसरी तरह के फॉरेस्ट जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं ये हम आपको अभी बताएं। अब हम आपको दूसरा फॉरेस्ट बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं डेसीडुअल, डेसीडुअल फॉरेस्ट। अभी आपने देखा वो वाला जंगल जहां पर बहुत बारिश होती थी, ठीक है। अब ये दूसरा जंगल आता है जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश
होती है, ठीक है। इसके पहले होती थी 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की, या ज्यादा से ज्यादा 200, लेकिन अब 100 भी होती है और 200 भी होती है। जहाँ इतनी बारिश होती है वहाँ ये जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल बेटा वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। जैसे हमारे भारत इंडिया में कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो रेनफॉल है ये होता नहीं है, केवल कुछ समय के लिए होता है। इसीलिए यहाँ के जो जंगल है पूरे साल तक हरे भरे नहीं रहते। जब सूखा ड्राई सीजन आता है ना गर्मी का, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियों को, इसकी पत्तियां सूख जाती हैं और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन ये जो जंगल है ये हमारे इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ होते हैं आपने जरूर सुने होंगे। टीक है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर अपने राजस्थान में खैर बहुत होता है, बैंकू बांस ये बहुत होता है। तो वहाँ पर ये जो है ये जंगल में ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। और आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है इसीलिए लकड़ी की डिमांड बहुत होती है घर बनाने के लिए, छत जैसे चाहे गाँव हो या शहर हो। तो ये जो जंगल है सारे ये लकड़ी की डिमांड को पूरा करते हैं। और वहाँ पर जानवर कौन से हैं, टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, लंगूर है, काले नीले वाले और मंकी जो वहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप बच्चों इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैं आपको बता दूँ। बोलिए सेकेंड पार्ट ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, ये आपने अब इसको आप अंडरलाइन करिए जो हम बता रहे हैं। These forests grow in monsoon land. आगे rainfall of distant areas 100 to 200 centimeter. उसके बाद सबसे नीचे के लाइन में देखिए these forests यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक निशान लगा दीजिए। इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ दीज फॉरेस्ट यहाँ तक, ठीक है, लगा लिया आपने। और उसके बाद सबसे नीचे के पैराग्राफ में ये दो लाइन है टाइगर्स से लेके यहाँ तक फॉरेस्ट तक, टाइगर्स से लेके फॉरेस्ट तक यहाँ पर आप जो है वो पेंसिल से निशान लगाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको क्योंकि मैंने निशान लगवा दिए हैं इसलिए आपको इन दोनों फॉरेस्ट के बारे में अपनी कॉपी पर 1, 2, 3 डालकर लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी तो जल्दी से लर्न हो जाएगा। कि एक तो वहाँ होता है जहाँ 200 सेंटीमीटर रेन होते हैं, दूसरा वहाँ होता है जहाँ 100 से लेके 2 सेंटीमीटर तक रेन होते हैं। और जो मोटी हुई फॉरेस्ट है ये तो अपने इंडिया में बहुत पाए जाते हैं, मेनली इंडिया में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कैसे भी होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, तो यहाँ पर ही पाए जाते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल बहुत बारिश होती है और वहाँ पर मौसम भी बहुत गर्म होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है सेमेस्टर के हेडिंग डाल करके आपको लिखना है, जो हमने अंडरलाइन करवाया है ना उसको आप लिखिए और अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। बाद में आपकी सारी कॉपी चेक होगी तो लिखना जरूर है, आपको होमवर्क करना है, नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए अच्छा होगा, आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी मिलेगा। तो आपने जरूर कोई नहीं छोड़ना, मुझे पता है जो बच्चे घूमते हैं शायद वो काम नहीं करते हैं, मम्मी को बुद्धू बनाते ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कल